विकी कौशल एक ऐसे स्टार है जिन पर अब पूरे हिंदुस्तान को क्रश है। हॉट सिजलिंग एंड डैशिंग होने के साथ साथ एक परफेक्ट पंजाबी मुंडा है विकी कौशल। मैन ऑफ द मोमेंट है ये हैंडसम हंक। करोड़ों को अपने लुक्स और एक्टिंग स्किल से इम्प्रेस करने वाले विकी कौशल के बारे में आज हम आपको बताएंगे कुछ अनसुने और अनजाने फैक्ट्स। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को हुआ। विकी के डैड श्याम कौशल एक एक्शन डायरेक्टर है और माँ वीना कौशल एक हाउसवाइफ है। एक छोटा भाई भी है विकी को जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर है। विकी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में ली है अपनी डिग्री। विकी ने अपनी ग्रेजुएशन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से पूरी की इन द ईयर 2009। मुंबई मलाड के चौल्स में पले बड़े हैं विकी कौशल। एक्टर होने के साथ साथ विकी एक ट्रेन डांसर भी है। अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में विकी को एक इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेके गए थे और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक 9-to-5 जॉब करने वालों में से नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया। विकी ने किशोर नमित कपूर के एकेडमी से एक्टिंग भी सीखी। मिस्टर कौशल कई छोटे रोल्स करते दिखे, लव शव ते चिकन खुराना, बॉम्बे वेलवेट और द एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म गीक आउट जैसी फिल्मों में। विकी को उनके करियर का पहला बिग प्रोजेक्ट मिला साल 2015 में, फिल्म मसान में लीड रोल करते दिखे विकी। फिल्म मसान के इस रोल के लिए विकी को कई सारे अवार्ड्स मिले इंक्लूडिंग बेस्ट मेल डेब्यूटेंट। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप को असिस्ट कर चुके हैं विकी कौशल। एक बहुत बड़े फूडी है विकी कौशल। अपने आप को फिट रखने के साथ साथ विकी जंक फूड्स भी बहुत खाते हैं। यूं तो लोग अपना बर्थडे अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन विकी अपने बर्थडे के दिन फिल्म सेट्स पर होना पसंद करते हैं। बचपन से ही ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन है विकी कौशल और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक है। विकी को गेम ऑफ थ्रोन्स और प्रिजन ब्रेक सीरीज काफी ज्यादा पसंद है। अनुराग कश्यप और करण जौहर विकी के फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। फिल्म मसान की शूटिंग शुरू होने के एक महीने पहले ही विकी वाराणसी पहुंच गए थे ताकि वो कैरेक्टर को स्टडी कर पाए। साथ ही विकी ने इस रोल के लिए 8 kg वेट घटाया था। पर मूवी के लिए विकी अराउंड 3 crore फीस लेते हैं। एक चैट शो में विकी ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो हॉरर फिल्म्स नहीं देख सकते, उन्हें बहुत डर लगता है। फिल्म गोल्ड के लिए विकी और उनके भाई सनी कौशल को ऑडिशन के लिए फोन आया था, लेकिन विकी ऑडिशन देने नहीं जा पाए और सनी को मिल गया ये रोल। विकी को हाइड्रोफोबिया है और वो बिल्कुल स्विमिंग नहीं कर सकते। जब विकी फिल्मों को असिस्ट कर रहे थे तब वो सेट्स पर 18 घंटे काम करते थे। अनुराग कश्यप नहीं चाहते थे कि विकी फिल्म रमन राघव 2.0 में काम करे क्योंकि उनके हिसाब से विकी एक नया एक्टर था और ऐसे डार्क रोल्स शायद वो नहीं निभा पाते। कहा जाता है कि विकी कौशल हरलिन सेठी को डेट कर रहे थे, हालांकि अब खबरें ये आ रही है कि हरलिन से भी ब्रेकअप हो गया है। विकी कौशल स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी रमन राघव 2.0 के रोल के लिए विकी ने दिन में 5 पैकेट्स ऑफ सिगरेट स्मोक किए। फिल्म उरी के लिए 15 kg वेट गेन किया विकी ने। मानव कॉल के एक प्ले में भी काम कर चुके हैं विकी कौशल, जिसका नाम था लाल पेंसिल। नसरुद्दीन शाह के प्ले में भी काम कर चुके हैं विकी कौशल। रूमर्स अब ये आ रही है कि विकी कौशल कर रही है कटरीना कैफ को डेट।
मलिका दुआ के साथ एक इंटरव्यू में विकी ने कन्फेस किया था कि बचपन में जब उनका ब्रेकअप हुआ था तब वो एक पोएट बन गए थे और अक्सर सैड सॉन्ग सुना करते थे। विकी कौशल की झोली में अब कई फिल्में आ गिरी है। उद्धम सिंह बायोपिक तक भूत पार्ट 1 जैसी कई फिल्मों में नजर आएंगे विकी। वेल, आपको विकी कौशल के बारे में ये सब बातें जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। एंड डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।